अग्नि पुलिस स्टेशन में डॉक्टर अवस्थी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने पहुंचती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड किसी न किसी मुसीबत में। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक रिकवरी एजेंट मुझे परेशान कर रहा है। वहीं वायु भी काव्या की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आता है। इंस्पेक्टर, वो एक्चुअली मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए। मेरे होने वाली वाइफ काव्या, वो कल रात से मिसिंग है। इंस्पेक्टर, ये वही है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यही था पार्टी में जो मेरी डैड की गाड़ी सीज कराने की बात कर रहा था। मुझे लगता है किसी ने मेरे डैड के साथ कुछ ना कुछ किया है। लावणे, लेके जा इसको। चला। अग्नि, डैड का पता चला? हम डैड का तो पता नहीं चला, पर आप टेंशन मत लीजिए, डैड जल्दी आ जाएंगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ये रहे उसके बेल के पेपर, छोड़ दे उसे। और जीजू, आप जाइए, मैं कैब लेके आ जाऊँ। ओके, बाय। वायु, मेरे डैड कहाँ हैं? मैं नहीं जानता तुम्हारे डैड कहाँ हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। प्लीज वायु, प्लीज बोलो मेरे डैड कहाँ हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं जन्म में नहीं जानता कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मैं तो खुद काव्या के लिए परेशान हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि काव्या ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वायु के पास काव्या का कॉल आता है। मुझे बचा लो वायु, ये लोग मुझे मार देंगे। काव्या? और वो काव्या की तलाश में निकलता है। अग्नि भी उसके पीछे जाती है। ये काव्या है, 5 घंटे पहले इसने तुम्हारे फोन से मुझे फोन किया था, पहचानो इसे। मैंने इसको देखा है। ए सुन, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पास में ही है, चल। कैसी हालत में थी? नशे में लग रही थी, पंडाला से आई थी। गाड़ी का नंबर क्या था? ब्लैक कलर की एसयूवी थी, एसयूवी पर ब्रोकन विंडो वाली स्टिकर लगा हुआ था। गाड़ी किस तरफ गई? मुंबई की तरफ। जी, मैं डॉक्टर अवस्थी से मिलने आया। उन्हें फोन ट्राई किया लेकिन उनका नंबर बंद। बताइए, डैड से आपको क्या बात करनी है? डॉक्टर अवस्थी ने इनसे 2 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन जब उन्होंने पैसा वापस देने के लिए चेक दिया तो वो बाउंस हो गया। देखिए, आप इनको बोल दीजिए जब पैड आ जाएंगे तो उनके सारे ड्यूज क्लियर कर देंगे। I'm sorry, मुझे अवस्थी और उसकी फैमिली पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पैसे तो हमें आज ही चाहिए थे, लेकिन अवस्थी जो छुपा बैठा है, तो इसलिए हम आपको सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे सकते हैं। और अगर 24 घंटे में हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो ये खबर हम मीडिया में दे देंगे। और आपको तो पता ही है मीडिया ऐसे गॉसिप का क्या करती है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके पैसे आपको 24 घंटे में मिल जाएंगे। वायु अपने इंस्पेक्टर दोस्त नैतिक की मदद लेता है। एक सेकंड, ये वही एसयूवी है ना जिसमें काव्या थी? हाँ, वही एसयूवी है।
लास्ट टाइम ये गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर देखी गई थी, उसके बाद ये गाड़ी मिसिंग है। जी भाईजान, मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज भेजा है, मुझे चेक करके बताओ क्या वही एसयूवी है जिसमें काव्या थी या नहीं। हाँ भाईजान, वही है। ठीक है। हेलो सिद्धांत अंकल। अग्नि पैसों के लिए डॉक्टर अवस्थी के दोस्त सिद्धांत को फोन करती है। हाँ प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए, वरना डैड की बदनामी हो जाएगी। एक रास्ता है, जब अवस्थी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो किशोर सेठ से लिया करता था। किशोर सेठ? हाँ, प्रिया को पता है और मैं प्रिया को फोन करता हूँ, वो तुम्हें लेके चली जाएगी किशोर सेठ के पास और वो तुम्हें पैसा दे देगा। थैंक यू सो मच। मैंने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल के सारे मैनेजमेंट का काम नागनी को सौंप दूंगा। मछली जाल में फंसने के लिए बेकरार है। मैं भी दाने के साथ एकदम रेडी हूँ। सिद्धांत का एक सिद्धांत है, जिसको प्यार करे उसे दिल से लगा ले और जिसको मजबूर करे उसे घुटनों पे ला दे। वायु काव्या की माँ से कहता है कि उसका किडनैप शक्ति ने किया है। काकी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। काकी मुझे लगता है कि काव्या का किडनैप शक्ति ने किया है। सिद्धांत के कहने पर प्रिया अग्नि को किशोरी सेठ के पास लेकर आती है। बेटा तुम्हें बस इन पेपर्स पे साइन करने हैं, मैं अब भी तुम्हें पैसे दे दूंगा। जहां किशोरी सेठ पैसों के बदले अग्नि से ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने को कहता है। इसमें तो ब्लैंक पेपर्स हैं। अरे डरो मत बेटा, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। अरे तुम्हारे पापा भी साइन करते थे। अब इससे डॉक्टर अवस्थी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर तुम्हें कैसे होगी? कर दो साइन। प्रिया के समझाने पर अग्नि उन पेपर्स पर साइन कर देती है। ये लो बेटा, तुम्हारे 2 करोड़। सिद्धांत साहब आपका काम हो गया, उसने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिए। उसने साइन नहीं किए, अपने हाथ काट के मुझे दे दिए। इन पेपर को मेरे पास पहुंचाओ। उधर काव्या का भाई शक्ति वायु के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता है। उसका कहना है कि काव्या के किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है। ए, क्या हो रहा है ये? काव्या को मैंने नहीं, तूने किडनैप किया। मुझे तो मैं मगर अब भी ये पता नहीं चलता कि आखिर काव्या किसके पास है। अभी तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, पर ये अंडर सर्वेलेंस रहेगा। और अगर काव्या के कनेक्शन में इसका कोई भी हाथ निकला ना, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में सीधा अंदर जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चल। यहाँ अग्नि कर्ज के 2 करोड़ रुपए लौटाती है। हमें हमारे पैसे मिल गए तो मैटर खत्म। आप ही ने कहा था ना कि मेरे डैड फ्रॉड हैं, वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं। पर ऐसा नहीं, आपके पैसे आपको मिल गए तो अब आप अपना स्टेटमेंट बदल दीजिए और सबको सॉरी बोलिए। वेल वी आर सॉरी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं।
अग्नि, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? बता, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? आप सच में सच जानना चाहती हैं? ऐसे क्या बात कर रही हो तुम? कोई चोरी नहीं की उसने? खंडाला वाला फार्म हाउस उसने गिरवी रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मॉम सही कह रही, मैंने मॉम की परमिशन लेकर ही फार्म हाउस को गिरवी रखा है। तुम खंडाला वाला फार्म हाउस गिरवी नहीं रख सकती क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूँ। और उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने खंडाला का फार्म हाउस धोखे से बेच दिया है। क्या अग्नि अपने पिता डॉक्टर अवस्थी और वायु काव्या को ढूंढ पाएगा? Catch all latest episodes on Ethic On.